नमस्ते दोस्तों, मैं लाल सर, यूपी एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप यूपी एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज के सत्र में हम लोग अभ्यास 2D के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आपके समक्ष प्रश्न संख्या 1 निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर आपको दिख रहा है कि ये 1, 2, 2 पर ये है, 1, 2, 2 पर ये है, 1, 2 ये भी 2 पर है, 1, 2 ये भी 2 पर है, 1, 2 ये भी 2 पर है, ये भी 2। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, यानी कुल आखिरी ये 12 है। तो इसको विभाजन, विभाजन का मतलब समझ जाइए, क्या होता है विभाजन। विभाजन का मतलब होता है भाग, यानी भाग की संक्रिया देखो। तो यहां हम लिखेंगे 12, आखिरी अंक देखिए 12 है, और सबके 2-2 बराबर, यानी 2 का इसमें भाग दिया गया है, तो 2 का हम भाग देंगे तो 2×6=12। इस तरह से ये सवाल हल हुआ। आपके समक्ष पेश है इस अभ्यास 2D का दूसरा प्रश्न। 21/3=7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3×7=21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि यहां देखिए 21/3 ये दिया हुआ बराबर 7। अब इसी को कह रहा है कि यहां इसी को जब हल किया गया है तो ये लिख दिया है 3×7=21, यानी इस 3 का इस 7 में गुणा किया गया और इसका मान रखा गया। ठीक, आइए हम लोग भी करते हैं इसका इसमें गुणा करके, तो हो जाएगा 8×7=56। इसी तरह इसको हम लोग हल करते हैं इसका और इसका, तो ये हो जाएगा 11×6=11×6=66। पेश है आपके समक्ष प्रश्न संख्या 3। 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी 1 संख्या 13 है। तो गुणा के रूप में तो स्वाभाविक है कि 117 में हम 13 का भाग देंगे। चलिए 13 का भाग देते हैं, 13 का पारा पढ़ लीजिए। 13×13, 13×2=26, 13×3=39, 13×4=52, 13×5=65, 13×6=78, 13×7=91, 13×8=104 और 13×9=117। 9 बार, 13×9=117। इस तरह से अब इसको हम गुणा के रूप में रख सकते हैं। 117/13×9 ये हमारा आंसर हुआ। आपके समक्ष पेश है प्रश्न संख्या 4। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? तो एक, चलिए चेक कर लेते हैं, देखते देखिए एक में एक का जरा भाग दीजिए तो देखिए एक ही आएगा, बिल्कुल। तो आप लिखेंगे हां, वह संख्या एक है। पेश है आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 5। क्या 2 विभिन्न
शून्यतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो चलिए दो विभिन्न शून्यतर संख्या ले लेते हैं, आपका एक 8 ले लेते हैं और एक आपको 40 ले लेते हैं। तो चलिए हम भाग दे लेते हैं, 40 भागे 8, तो 8 पांच 40। लेकिन चलिए इसी 8 में अगर हम 40 का अगर भाग दे तो ये भाग सीधा सीधा तो नहीं जाएगा। अगर इसको आप देखना चाहें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 8/40, 8 एकम 8 और 8 पांच 40। देखिए इसका मान आ गया 1/5, तो और इसका मान आया था 5। तो क्या 5 और 1/5 ये बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। आप लोग के समक्ष पेश है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। 80 तथा 90 के बीच अभाज्य संख्या है, तो 80 तथा 90 के बीच से चलिए लिख लेते हैं 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। अब इसके बीच में हमको अभाज्य संख्या बताना है, तो अभाज्य संख्या देखिए यहां पर आपको 80 तो कट जाएगा, 9, 81 ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा किसी से, 84 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 5 से, ये भी कट जाएगा 2 से, और आपका ये भी कट जाएगा 3×6 3×9 27, ये भी आपका कट जाएगा, ये आपका किसी से नहीं कटेगा और ये भी कट जाएगा। इस तरह से आपको यहां 83 और 89 2 संख्याएं ज्ञात हुई जो अभाज्य है। अभाज्य संख्या का मतलब किसी से वह विभाजित न हो। तो 83 देखिए 83 यहां है लेकिन ये नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया। 83 यहां, 87 है तो ये भी आपका गलत। 81, 89 यहां तो कोई लड़ाई ही नहीं है, 83 यहां मिल रहा है और 89 यहां मिला, ये आपका सही होगा। आगे देखें प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न में 5 पद है, 1 पद भिन्न है, उसे वृत्त से घेरे, 1 पद जो भिन्न है इसको समझते। देखिए 6, 3, 18, तो इसका मतलब है कि ये 6 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 6, 3, 18। यहां भी वही चीज, अगर 7 में हम 5 का गुणा करते हैं तो 7, 5, 35। यहां भी 9 में यदि हम 3 का गुणा कर दे तो 29, 27। और यहां भी है अगर हम 5 में 4 का गुणा कर दे तो 5×20। ये तो नहीं आ रहा है। अगर यहां हम गुणा कर दे 8×7 तो 8×7 56। देखिए सभी के सभी सवालों को जब हल किया गया प्रत्येक विकल्प को, तो पहली और दूसरी का गुणनफल आपका ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, ये है, इसलिए आपका यहां उत्तर भिन्न वह ये हुआ। इसको कह रहा है कि वृत्त से घेर दीजिए, तो आराम से ऐसे इसको वृत्त से घेर दे। इस तरह से ये सवाल आपका हल हुआ। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 3 आखिरी प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ 196 दिया है, 169, 144, ये देखने से हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी संख्या का वर्ग है। तो चलिए
196 जरा यहाँ 14 में 14 का हम गुणा करके देखते हैं, तो 14 चौके 56 हासिल 5 और 14 एकम 14 5 19, ये 196 यानी सीधा 14 का ये वर्ग हुआ, 14 का ये वर्ग दिया है। अब आगे देखिए 13 का यदि वर्ग आप ध्यान से देखेंगे, 13 में 13 का गुणा कर देंगे तो इसका होता है 169। इसके बाद देखिए आपका 144 है तो ये 12 का वर्ग होता है, यानी 12 गुणे 12 तो इसका होगा 144। इसके बाद देखिए 121 है, ये 11 का वर्ग होगा, 11 गुणे 11 यानी 121। इसके बाद देखिए आपका 100 है, यानी 10 का ये वर्ग होगा, 10 गुणे 10 बराबर 100। तो देखिए ये हो गया आपका 14, 14 के बाद 13, फिर ये 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, तो स्वाभाविक अगली संख्या 9 होगा, 9 का वर्ग यानी 81, ये आंसर आपका हो। अब देखिए कहीं है तो 85, 90, 81 ये है आपका आंसर, ये होगा। इस तरह से आज का सत्र समाप्त होता है और अभ्यास 2 के सारे अभ्यास कार्य यानी चैप्टर 2 आपका बिल्कुल पूरी तरह से आज समाप्त हुआ। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 पर हम चर्चा करेंगे। अंत में यूपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, मोस्ट वेलकम, और हमें उम्मीद है कि आप यूपी एकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, आप सभी लोगों को लाल सर का लाल सलाम, आपके नाम।